एक्चुअली दोस्तों बॉलीवुड के असली बॉक्स ऑफिस किंग और असली बाप यानी कि दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रुकने का बिल्कुल भी नहीं नाम ले रही है। और दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन तो जो ऐतिहासिक कमाई करने वाली है, इतनी जबरदस्त कमाई दोस्तों आज तक बॉलीवुड इतिहास में किसी फिल्म ने नहीं की होगी, चाहे वो पठान हो या फिर चाहे हो KGF चैप्टर 2। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 के 3 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों कि ये फिल्म आज कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, आज इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना हो सकता है और क्या ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की डिटेल से बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बताने वाले हैं। तो अगर आप भी सनी देओल के डायहार्ड फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली गदर 2 एक हिस्ट्री एक्शन ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार सनी पाजी यानी कि सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आई है। लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली गदर 2 का इंतजार दोस्तों ऑडियंस को काफी बेसब्री से था क्योंकि दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर गदर का सीक्वल है। और अगर बात की जाए यहां पर फिल्म गदर 2 के बारे में तो दोस्तों गदर 2 लगभग 2 घंटे 56 मिनट की फिल्म है जिसे सिर्फ ऑडियंस पसंद ही नहीं कर रहे बल्कि दोस्तों ये फिल्म ऑडियंस के लिए एक इमोशन बन चुकी है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में जिस तरह से तारा सिंह बनकर सनी देओल ने हम सभी का एक बार फिर से दिल जीता है, उनका एक्शन, उनकी डायलॉग डिलीवरी और पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले सीन्स को देखने के बाद लोग सीटियां और तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों सिनेमा हॉल का जो माहौल हमने आज देखा है वो दोस्तों 2001 में ही देखने को मिला था। यही बात है दोस्तों कि गदर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुक नहीं रही है और सभी रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर चुकी है। मात्र 4000 स्क्रीन पर और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 से क्लेश होने के बावजूद भी सुपरस्टार सनी देओल की इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में एक ऐतिहासिक ओपनिंग मिली और इतने कम स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 40 करोड़ रुपए से भी बड़ी ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ली है। तो वहीं दोस्तों लगभग 60 करोड़ रुपए इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं। इसे से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि सुपरस्टार सनी देओल की जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर है। अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि सनी देओल की इस फिल्म के पहले ही दिन 25 लाख से भी ज्यादा टिकट सिर्फ ऑनलाइन बेचे जा चुके थे जो कि एक तरह से एक नया इतिहास है बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के लिए और किसी भी आर्टिस्ट के सुपरस्टार के लिए। सनी देओल इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो कि 60 की एज में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ और 50 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्में दे रहे हैं। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के टोटल ओवरऑल कलेक्शंस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली गदर 2 को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म के डायलॉग डिलीवरी और इस फिल्म के एक्शन के साथ साथ हैंडपंप को देखने वाले सीन्स पर जिस तरह से तालियां और सीटियां मार रही थी वो देखना दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग रहा। गदर 2 को दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में 4000 स्क्रीन्स दी गई है जहां पर इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर से जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और दोस्तों जो लोग कह रहे थे कि इस फिल्म के कलेक्शंस में एक ड्रॉप देखने को मिलेगा वो ड्रॉप ना देखते हुए दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस कल और भी ज्यादा अच्छे रहे हैं। जी हां दोस्तों अगर बात की जाए कल की तो दोस्तों इस फिल्म को कल ऑल ओवर इंडिया में लगभग 11,544 शो पर चला गया था और इन 11,544 शो पर इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 52 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार करने में कामयाब रहे हैं जो कि एक तरह से एक इतिहास है क्योंकि दोस्तों इतनी कम स्क्रीन और इतने कम शो पर बॉलीवुड की आज तक किसी भी फिल्म ने इतना बड़ा कलेक्शन नहीं किया होगा। दोस्तों बताते चले आपको कि कल इस फिल्म को मॉर्निंग से ही काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली थी और ये फिल्म लगभग 50 से 55% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई थी। मॉर्निंग में दोस्तों इस फिल्म को टोटल 2386 शो मिले थे जहां से इस फिल्म ने 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म को टोटल 3412 शो मिले थे जहां से दोस्तों इस फिल्म ने रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इवनिंग की तो दोस्तों इवनिंग में इस फिल्म के पास टोटल 2105 शो थे और दोस्तों इन 2105 शो पर इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए थे। नाइट में तो दोस्तों इस फिल्म ने एक तरह से एक रिकॉर्ड ही बना दिया था क्योंकि दोस्तों नाइट में इस फिल्म के पास जितने भी शो थे उन सभी शो पर दोस्तों ये फिल्म हाउसफुल चल रही थी और यही वजह है दोस्तों कि नाइट में इस फिल्म के लगभग 1000 से भी ज्यादा शो इंडिया में और दुनिया भर में लगभग 1500 से ज्यादा शो हाउसफुल रहे। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने नाइट में
लगभग 15 करोड़ रुपए के आंकड़ों को टच किया है। और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन जहां 42 करोड़ 30 लाख रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा है। तो वहीं दोस्तों अगर ऑल इंडिया ग्रोस की बात की जाए तो ऑल इंडिया ग्रोस पर दोस्तों ये फिल्म 53 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई करने में कामयाब रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 2 ही दिनों का 82 करोड़ 45 लाख रुपए का हो चुका है, जबकि दोस्तों ऑल इंडिया ग्रोस पर यह फिल्म 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने वाली बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल के करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी है। हालांकि दोस्तों उनकी फिल्म गदर 1 ने भी इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों उस वक्त पर टिकट प्राइसेस कम थे और उस वक्त पर सिनेमाघर भी कम थे। लेकिन अगर उस फिल्म का इन्फ्लेशन कलेक्शन किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म का अभी तक का जो एडजस्टेड कलेक्शन होगा वो लगभग 750 से 800 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिलहाल में गदर 2 की, तो दोस्तों गदर 2 ने सिर्फ अपने 2 ही दिनों में सनी देओल के करियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अमीषा पटेल के भी करियर की यह फिल्म सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन सिर्फ एडवांस के मामले में ही अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 के सभी कलेक्शन को पीछे कर रही है। और दोस्तों आज की इस फिल्म की जो सिर्फ एडवांस ही है वो 26 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप सभी ने सही सुना, इस फिल्म के लास्ट 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन लगभग 15 लाख से ज्यादा टिकट ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, जबकि दोस्तों इस फिल्म के लगभग 1800 शो हाउसफुल चल रहे हैं। यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज एक इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों बॉलीवुड के पिछले 100 सालों में ऐसा रिकॉर्ड किसी ने अपने नाम नहीं किया होगा कि एक ही दिन में सबसे ज्यादा शो हाउसफुल होने का रिकॉर्ड गदर 2 के नाम होने वाला है। यह फिल्म दोस्तों मास सिनेमा, सिंगल स्क्रीन और दोस्तों मल्टीप्लेक्सेस हर जगह पर नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। और इस फिल्म की आज की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो 80% से तो शुरू हुई है। सुबह 2 बजे के शो दोस्तों इस फिल्म के हाउसफुल थे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे और 5 बजे सभी शो दोस्तों इस फिल्म के इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हाउसफुल चल रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई नजर आ रही है। और आज सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ही 52 करोड़ रुपए की कमाई तो करने वाली है, तो वहीं दोस्तों इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज लगभग 65 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म का 3 दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 134 करोड़ रुपए का हो चुका होगा, इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 165 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 195 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को टच कर चुकी होगी। जिस तरह के नए नए रिकॉर्ड्स दोस्तों गदर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बना रही है, ऐसे रिकॉर्ड्स दोस्तों बॉलीवुड के सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय कोई नहीं बना पाया है, ना ही दोस्तों साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स गदर 2 की तरह इंडियन सिनेमा में कमाई कर पाए हैं। 3 दिनों में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस दुनिया भर से 195 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड्स को टच कर रहे हैं, जो कि एक तरह से एक इतिहास है। और दोस्तों अगर यह फिल्म इसी तरह की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करती रही तो यकीन मानिए इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। और यह फिल्म पठान को तो पटखनी देने ही वाली है, साथ ही साथ दोस्तों हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बनेगी जो कि 600 करोड़ के क्लब में पहली बार शामिल होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या 600 करोड़ के क्लब में शामिल होगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखने नहीं गए हैं तो आज ही सिनेमाघरों की तरफ जाइए। इस फिल्म को देखने के बाद जो हमें मजा आने वाला है वो आज तक आपको किसी फिल्म को देखने के बाद नहीं आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।